महासमुंद लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी आज धमतरी दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेता और कर्मचारियों के साथ बैठक लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस देवेंद्र यादव को बचाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के द्वारा भाजपा पर आरोप लगा रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई गलत तरीके से नहीं किया गया है। जांच में विधायक देवेंद्र यादव को दोषी पाया गया है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश भर में अवैध शराब सहित कई गलत कार्य हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है तब से कार्य ठीक चल रहा है। तरीके से फंसाया नहीं जाता, गलत तरीके से उसके सेकंड डे हो जाती, पूरी जांच परख के बाद अगर कोई दोषी पाया गया है तभी गिरफ्तारी हुई है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार ही किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब सुधर जाएगी। ये कांग्रेस की सरकार जब पिछले समय थी तो इसने पूरी तरह से इस पे कोई लगाम नहीं था, इसी ने ही इतने जो अवैध शराब की बिक्री बढ़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार कंट्रोल की जा रही है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने जनसंख्या के आधार पे धीरे धीरे कम करते, 3,000 की संख्या वाले गांव में लाइसेंस दी जाएगी, ऐसे शुरुआत की थी। लेकिन इन 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस ने अवैध शराब को बढ़ावा दिया है, आप देखिए, थोड़ा समय दीजिए, इसमें निश्चित रूप से कंट्रोल होगा भारतीय।